जालौन में युवक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नशे में झगड़े होने पर आरोपी ने नौकर की कर दी थी हत्या। शव को कंबल में लपेट कर फेंका था नाले के पास। मृतक युवक कल्याण महाराष्ट्र का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जालौन के काल्पी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। देखिए मुनव्वर अली की खास रिपोर्ट। 14 अक्टूबर 2024 को थाना काल्पी क्षेत्र के जोलूपुर हमीरपुर मार्ग पर एक मंदिर के पास एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला था, जिसके संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा निर्देशित किया गया था कि यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाए। उस घटना के अनावरण के लिए एसओजी प्रभारी जालौन और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काल्पी की टीम बनाकर उन्हें नियुक्त किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान मृतक की शिनाख्त कृष्णा मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा निवासी कल्याण महाराष्ट्र के रूप में हुई। विवेचना से जानकारी हुई ग्राम गर्रेही निवासी प्रशांत और गुल्लन सिंह का ये नौकर था। मृतक और अभियुक्त प्रशांत सिंह दोनों नशे के आदि थे। दिनांक 13 अक्टूबर को दोपहर में इन दोनों ने नशीले पदार्थ का सेवन किया। नशे की हालत में मृतक कृष्णा मिश्रा ने अभियुक्त प्रशांत के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे गुस्से में प्रशांत ने मृतक का सर दीवार में कई बार टकरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रात को प्रशांत घर के ही कंबल में अपनी चारपाई से रस्सी खोलकर उस लाश को बांधा और अपनी मोटरसाइकिल पर उसे बांधकर घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोलूपुर मार्ग पर उसे छोड़ दिया। अभियुक्त प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल पर हत्या किए जाने के निशान मौजूद हैं, खून इत्यादि वहां प्राप्त हुए हैं, जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण कराया जा रहा है। अभियुक्त प्रशांत विरुद्ध पूर्व में भी 5 अभियोग पंजीकृत हैं। अभी वो लगभग 2 माह पूर्व ही जेल से छूटकर वापस आया है। आगे विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी दायरे में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित।